गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी विषय गणित अध्याय 14 क्षेत्रफल के विषय में जानेंगे, जिसका सीखने का प्रतिफल है दिए गए क्षेत्र को एक आकृति के टाइल की सहायता से बिना कोई स्थान छोड़े हम भर पाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने गणित में बहुत सारे अवधारणाओं के बारे में जाना होगा, बातचीत की होगी, उन्हें समझने की कोशिश भी की होगी। आपने नापने के संबंध में भी बहुत सारी बातें सीखी होंगी, जैसे आपने वजन को मापा होगा, लंबाई को मापा होगा, समय को मापा होगा, है ना। तो नापने के संबंध में एक और बात आती है, वह क्या है? जब हम किसी क्षेत्र को, सतह को मापते हैं तो ये सतह कितनी है ये हम कैसे पता लगाएं? इसका भी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत मायने रखती है। तो आओ आज हम किसी सतह, किसी क्षेत्र को कैसे मापें ये हम सीखेंगे। मैंने आप लोगों को एक काम दिया था, वह क्या काम था? कि अपने घर से माचिस की डिब्बी और कुछ आकृतियों को इकट्ठा करके लाना, जैसे चौकोर आकृति, वर्गाकार आकृति, इन आकृतियों को इकट्ठा करके लाना। तो कौन कौन लेकर के आए हैं? बिल्कुल, यहाँ श्यामा लेकर के आई है। तो चलो बच्चों, श्यामा के साथ और सभी बच्चे मिलकर हम एक गतिविधि करेंगे और क्षेत्र या किसी सतह को मापना सीखेंगे। तो चलिए, आप सभी तैयार हो ना? तो बच्चों, देखते हैं श्यामा क्या क्या लेकर के आई है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे माचिस के डिब्बे हैं। श्यामा ये माचिस के डिब्बों को लेकर के आई है, कुछ वर्गाकार आकृतियों को लेकर के आई है, वैसे ही कुछ वृत्ताकार आकृतियों को लेकर के आई है, उसी प्रकार से कुछ ये चौकोर आकृतियों को लेकर के भी श्यामा और कुछ बच्चे आए हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि हम किसी क्षेत्र को कैसे मापते हैं। उसके पहले बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो आइए जानें क्षेत्रफल क्या है। जैसे कि ये एक माचिस की डिब्बी है, इस माचिस की डिब्बी को मैं एक समतल जगह पर रखती हूँ, ठीक है। अब माचिस की डिब्बी के चारों ओर मैं पेन या पेंसिल से एक घेरा बनाती हूँ। अब माचिस की डिब्बी को मैं यहाँ से हटाती हूँ। माचिस की डिब्बी जहाँ पर रखी थी, इस घेरे के अंदर आप देख रहे हैं, इस जगह को आप इस प्रकार से पेन या पेंसिल की सहायता से पूरा भरिए। तो इस बंद आकृति के अंदर की जो जगह है, इसे ही हम उस वस्तु का क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक है। तो कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। उसी प्रकार से बच्चों, हम एक इस वृत्ताकार आकृति को लेते हैं, इसे भी पेन या पेंसिल की सहायता से इसका घेरा बना लेते हैं। अब इसे उठा करके हम देखते हैं और इस पूरे जगह को भर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस वृत्ताकार आकृति ने कितना जगह घेरा, तो ये इस वृत्ताकार आकृति का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। इस बंद आकृति के अंदर ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये इस वृत्ताकार आकृति का क्या है? क्षेत्रफल है। उसी प्रकार से बच्चों, एक वर्गाकार आकृति हम लेते हैं, इसे भी पेन या पेंसिल की सहायता से इसके चारों ओर लाइन खींचते हैं और इसे भी हम पूरा पेन या पेंसिल की सहायता से भर लेते हैं, या रंग भी कर सकते हो आप इसे पूरा, ठीक है। तो इस बंद आकृति के अंदर की ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये इस
वर्गाकार आकृति का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो आइए हम किसी भी क्षेत्र, किसी भी सतह को कैसे मापेंगे, इसके लिए एक गतिविधि करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप अपनी कॉपी, कोई भी कॉपी लेकर के आइए और यहाँ सामने मेज पर रखिए। आपको मेज पर एक कॉपी दिखाई दे रही है, तो इस कॉपी की सतह कितनी है हम कैसे पता करें? ये तो ठीक है कि इस कॉपी को मैंने यहाँ पर रखा तो ये जितना स्थान घेरेगी वो उसका क्षेत्रफल है ना? लेकिन इस कॉपी की सतह कितनी है हम इसे भी किसी वस्तु का प्रयोग करके आसानी से बता सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम मैंने आप लोगों को क्या मंगाया था? माचिस की डिब्बी। तो चलिए इस कॉपी के ऊपर हम माचिस की डिब्बी को क्रमशः जमाते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं माचिस की डिब्बियों से इस कॉपी को ढकना है। बच्चों आप देख पा रहे हैं ये कॉपी की जो सतह है वो माचिस की डिब्बी से पूरी पूरी तरीके से ढक चुकी है ना? और पहले लाइन में कितनी माचिस की डिब्बियाँ हैं जरा गिनिए तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले लाइन में 8, फिर दूसरे लाइन में भी उसी प्रकार से, तीसरे लाइन में भी उसी प्रकार से और चौथे लाइन में भी उसी प्रकार से 8-8 डिब्बियाँ हैं। तो बच्चों पहले लाइन में 8 डिब्बियाँ हैं जो उस कॉपी की लंबाई है। अब देखिए ज़रा यहाँ से भी देखिए, 1, 2, 3, 4, इसे हम कहेंगे कॉपी की चौड़ाई। लंबाई के रूप में 8 डिब्बियाँ और चौड़ाई के रूप में 4 डिब्बियाँ। तो बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रत्येक लंबाई में 8 डिब्बे हैं। माचिस के कितने डिब्बे हैं? 8 डिब्बे हैं, है ना? और प्रत्येक चौड़ाई में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, प्रत्येक चौड़ाई में कितने डिब्बे हैं माचिस के? 4 डिब्बे हैं। तो आप पूरे डिब्बों को गिन करके बता सकते हैं कि कितने डिब्बे हुए? आप 8×4 करके ही बता सकते हो या फिर आप पूरे डिब्बियों को गिन करके भी बता सकते हो। तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32। तो कुल कितनी डिब्बियाँ हैं? 32 डिब्बियाँ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कॉपी की सतह माचिस की 32 डिब्बियों की सतह के बराबर है। इस प्रकार से कॉपी का क्षेत्रफल माचिस के 32 डिब्बियों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने एक एक डिब्बियों को जोड़ करके इस कॉपी की सतह के बारे में जाना कि वो कितनी डिब्बियों के बराबर है। आपने देखा कि कॉपी की लंबाई में यहाँ पर 8 डिब्बियाँ हैं और चौड़ाई में 4, है ना? तो आप क्या बता सकते हो कि 8 और 4 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? बिल्कुल 32। तो हम यहाँ पर जोड़ करके भी और गुणा के द्वारा भी हम डिब्बियों की संख्या बता सकते हैं, 8×4, 32 डिब्बियाँ। इस प्रकार से कॉपी का क्षेत्रफल या कॉपी की सतह 32 माचिस की डिब्बियों के बराबर है। तो बच्चों अब हम कॉपी के बाद एक और दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं क्षेत्रफल बताने के लिए। ये है एक रबर का प्लेट, है ना? समझ लीजिए ये रबर का एक प्लेट है या टुकड़ा है, ठीक है? अब इसका क्षेत्रफल हमें बताना है
तो हम कैसे बताएंगे? इस ये जो रबर का प्लेट है या टुकड़ा है, इसकी सतह कितने चौकोर के बराबर है? आइए हम एक चौकोर आकृति लेते हैं जो बराबर बराबर माप की होंगी, है ना। इन चौकोर आकृतियों को आपको इस प्लेट के ऊपर में, इस रबर के टुकड़े में रख करके बताना है कि ये कितने चौकोर आकृतियों के टुकड़ों के बराबर है। तो आइए चलिए जमाते हैं। इस तरीके से जमाना है कि ये रबर के प्लेट को पूरी पूरी ढक ले, पूरे तरीके से ढक ले। तो बच्चों आपने देखा, अब ये जो रबर की जो प्लेट है, रबर का ये जो टुकड़ा है, वो इन चौकोर आकृतियों से पूरी तरीके से ढक चुका है, जिसकी संख्या कितनी है जरा गिन करके बताओ। 1, 2, 3, 4। तो बच्चों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो रबर का टुकड़ा है वो 4 चौकोर आकृतियों के सतह के बराबर है, ठीक है। आइए अब हम एक और आकृति लेते हैं। आइए एक वर्गाकार कागज के टुकड़े के सतह की माप हम छोटे वर्गाकार इन हरे हरे टुकड़ों की मदद से हम करते हैं। तो चलिए इस कागज के टुकड़े पर हम इन छोटे आकृतियों को हम जमाते हैं और पता करते हैं कि ये इन छोटी आकृतियों के कितने टुकड़ों के बराबर है। चलिए जमाते हैं। 1, 2, 3, 4। तो एक लाइन में, एक कतार में, लंबाई के रूप में हमें 4 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। फिर से हम जमाते हैं आगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तेरह, 14, 15 और 16। ये 16। तो इस प्रकार कागज़ की, वर्गाकार कागज़ की सतह जो है इन छोटे छोटे वर्गाकार कागज़ के 16 टुकड़ों के बराबर है। आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमने वर्गाकार आकृति का भी प्रयोग किया था। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये है वर्गाकार आकृति। इसकी हर भुजाएं, प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हैं। लेकिन आपने एक, तो बच्चों आप यहाँ पर एक चौकोर आकृति भी देख रहे हैं। इस आकृति में ये जो भुजा है ये बड़ी है और इसकी जो बगल वाली भुजा है ये छोटी है। तो इसकी ये भुजा और ये जो भुजा है ये एक समान है, और ये जो भुजा, जो छोटी भुजा दिखाई दे रही है, ये और ये सामने वाली भुजा एक समान है। तो इसे हम आयत कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इस वृत्ताकार आकृतियों की मदद से इस कार्ड को ढकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर एक लाइन में, पहली लाइन में 4 वृत्ताकार, है ना, टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए दूसरी लाइन को भी इसी प्रकार से जमाते हैं। 1, 2, 3, 4। आप देख रहे हैं दूसरी लाइन में भी 4, है ना। एक और लाइन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, इसे भी हम ढकने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, 4। तब बच्चों आप यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि ये जो कार्ड का टुकड़ा है इन वृत्ताकार टुकड़ों से क्या ये पूरा पूरा ढक गया है? बिल्कुल सही, है ना।
ये जो टुकड़े हैं ये इस कार्ड को पूरी तरीके से नहीं ढक पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ खुला जो जगह है ये अभी भी दिखाई दे रहा है। तो इसे हम ये नहीं बता सकते कि, तो बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो कार्ड है इन वृत्ताकार 12 आकृतियों से पूरी तरीके से नहीं ढक पाया है, इसलिए हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि इस कार्ड की सतह इन 12 वृत्ताकार आकृतियों के सतह के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये जानकारी होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि जब आपने कॉपी को माचिस की डिब्बियों से जमाया तब माचिस के 32 डिब्बियों से वह कॉपी पूरी तरीके से ढक गई। तो क्षेत्रफल हम वही कहेंगे, उसी को ही कहेंगे जब वह स्थान पूरी तरीके से ढक जाए। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रबर का टुकड़ा है और ये कार्ड का टुकड़ा है, इसे हमने वृत्ताकार आकृति से ढका है और इससे हमने चौकोर आकृति से ढका है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि ये रबर का टुकड़ा है ये चौकोर आकृतियों से पूरी तरीके से ढका है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रबर का ये जो टुकड़ा है इसका जो क्षेत्र है इसका जो सतह है इन चौकोर आकृतियों के 4 टुकड़ों के सतह के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है भूरे रंग का जो ये कार्ड है इन पीले रंग के वृत्ताकार आकृतियों के सतह के 12 सतहों के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ क्षेत्र बाकी है। ठीक है, तो आपको भी अपने घर में इसी प्रकार का अभ्यास करना है कि आपके घर में जो कमरे हैं वो कितने टाइल्स से ढके हुए हैं। आप अपने घर में चटाई भी ले सकते हैं, आप अपने चटाई घर की चटाई का माप पुस्तक से भी कर सकते हैं कि वो जो चटाई है वो कितने पुस्तक या कितनी कॉपियों से ढक जाती है। तो जब वो पूरी तरीके से ढक जाए बच्चों तो वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो बच्चों इसी प्रकार से हम गणित की अन्य गतिविधियों के साथ अन्य कक्षा में अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।